हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी और 9th जून आज है। कई दिनों के बाद में आज हम मिल रहे हैं और आई एम वेरी वेरी सॉरी इस गैप के लिए। और अब जो लेसन जितने भी बचे हैं वो सारे आपको आज मिल जाएंगे, आज और कल के अंदर सारे जो हिंदू पेपर एनालिसिस के वीडियोस हैं और जो एमसीक्यूज के वीडियोस हैं वो दोनों ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एमसीक्यूज हम डेली करने वाले हैं और जितना भी इम्प्रूवमेंट का जितना भी इसमें कुछ भी बचता है वो आप ज़रूर से मुझे बताइए। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप जो भी सजेशन इसमें देंगे उसके हिसाब से ये लेसन जो है वो मॉडिफाई होंगे। तो क्वेश्चन हम डेली इसमें ले रहे हैं। करंट अफेयर्स के अधिकतर क्वेश्चंस होते हैं, कुछ होते हैं स्टैटिक बेस्ड, लेकिन स्टैटिक बेस्ड भी वो ऐसे ही आते हैं कि उनका कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में रहता है। तो फीडबैक आप अपने लगातार देते रहें और जो स्पीड है वो अभी मैं इसकी कम करूंगा। आधे घंटे का ये लेसन होगा और डेली देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि लंबे टाइम तक जब हम लेके चलें तो चीज़ों को फास्ट रखें। बहुत सारी चीज़ों की कोशिश करें समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक एडिशन ही तो है, सोली इस एक वीडियो से तैयारी नहीं होने वाली। इसलिए हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो हमें समझ में आना चाहिए, इसलिए स्पीड भी थोड़ी मैं कम करूंगा। ये सजेशन मुझे जेन्युइन इसमें लगा है। मैंने ये सोचा था कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी स्पीड तेज होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सजेशन था कि स्पीड ज़्यादा रहती है तो उसको कम करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस आज के। उससे पहले ये नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हो सारे पेन ड्राइव कोर्सेज और ये StudyIQ का वेबसाइट का एड्रेस है। सारे ही कोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। ये फेसबुक का ग्रुप है जहां पर मैं PDF अपलोड करता हूं और टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी यहां पर दिया हुआ है। StudyIQ का जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको मिल ही जाता है, तो यहां से आपको PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स साइंड 300 करोड़ डील विद फ्रांसिस रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स। देखिए पहली बात तो रफेल का नाम आते ही हम फ्रांस पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ये रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम जो है वो इसराइल की कंपनी है, फ्रांस की नहीं है। पहली चीज तो ये गलत है। दूसरा, इट इज ऑर्डर अंडर द स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल। जब से रफेल विमानों वाला इशू आया था तब एक चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई थी, वो था स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल। ये एक इंपॉर्टेंट मॉडल है जो नया मॉडल निकाला है गवर्नमेंट ने। उसमें यह है कि डिफेंस के प्रोक्योरमेंट के लिए इसमें यह होगा कि कोई प्राइवेट एक कंसर्न होगा, कोई एक कंपनी होगी जो हमारे देश में होगी और वो और फॉरेन की किसी कंपनी से ये अग्रीमेंट करेगी और वो साथ में मिलकर उसको डेवलप करेंगे। उसमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर वगैरह ये जो भी कुछ होगा वो उसकी डील डिटेल्स में रहती हैं, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल होगा जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करेगी और वो कंपनी जो है वो मेन उनका आपस में एग्रीमेंट रहेगा और वो जॉइंटली उसको डेवलप करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है जिसके अंदर रफेल वाले इशू से पहले स्टार्ट हुआ है और जिसमें इंडिया की जो अनिल अंबानी की जो कंपनी है वो होंगी और वहां पर फ्रांस की डेसो कंपनी है। तो इस तरह से ये था, लेकिन इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को फॉलो नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है इसमें, और दोनों ही गलत हो जाएंगे। इसमें सिंपल एक अलाउ किया गया था, गवर्नमेंट ने अलाउ किया था इंडियन एयरफोर्स मिलिट्री और नेवी तीनों को ही। जब ये बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उसके बाद में इन्होंने अलाउ किया कि कुछ इमरजेंसी अगर परचेस करना होगा तो वो आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ लिमिट होती है, हमेशा ही बड़े ऑर्डर जो होते हैं वो तो गवर्नमेंट ही पास करती है, जो कैबिनेट कमिटीज होती हैं वही पास करती हैं, लेकिन ये जो है इसमें उनको अलाउ किया गया था। तो ये 300 करोड़ रुपए की बस एक डील है, इसलिए छोटी डील थी ये, ठीक है। तो ये इसके रिगार्डिंग हम आंसर्स का देंगे डी, नन हो जाएगा क्योंकि दोनों ही इसमें गलत हैं। अब देखिए 300 करोड़ की डील हुई है, इजरायली डिफेंस फर्म है ये रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, ठीक है। आपको याद होना चाहिए हमने इसराइल से क्या ले रखा है, एक तो बराकेट मिसाइल जो है वो ले रखी है, एक अवाक्स जो एक सिस्टम है एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम वो वाला भी हमने इसराइल से लिया है और ये वाला है। अभी देखिए इसमें स्पेशल फाइनेंशियल पावर जो थी वो गवर्नमेंट ने दी थी आर्म फोर्सेस को कि इमरजेंसी परचेजेस के लिए ये था। फरवरी 19 में पुलवामा अटैक के बाद में ये सब स्टार्ट हुआ था और तीनों फोर्सेस को इसमें अलाउ किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल इसमें नहीं फॉलो हुआ है। एक स्पाइस के नाम से एक सिस्टम है, देखिए नॉर्मली जो ग्रेविटेशन बेस्ड जो बम होते हैं कि मतलब ऊपर से गिराए जाते हैं नीचे जाके गिरते हैं, सिंपल जो बम होता है वही इसका एक कोर सिस्टम है, इसमें बम है लेकिन उसके साथ में कुछ गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है और ये सिस्टम का नाम है स्पाइस, ठीक है। स्पाइस का मतलब है स्मार्ट प्रिसाइज इंपैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये स्पाइस सिस्टम जो है वो हम ले रहे हैं और उसी को खरीदने की सारी डील है। इसमें GPS जैमिंग भी होगी और जो मतलब टेक्नोलॉजिकली ये एडवांस है, गाइडेड ही हो सकता है और इसका जो पर्टिकुलर पार्ट होते हैं, इसमें तीन पार्ट होते हैं, एक पीछे फिन लगे होते हैं पंख जैसे लगे हुए होते हैं और बाकी ये बॉम्ब सिस्टम आगे होता है और ये बॉम्ब की डिलीवरी करता है, लेकिन ये कि जहां पर गिराना होता है वहां से वो सीधा जमीन पर नीचे जाएगा और वहां तक उसको ले जाने के लिए फिन्स वगैरह काम आएंगे और इसमें GPS लोकेशन वगैरह का सारा सिस्टम भी रहेगा। तो ये
जो गाइडेड एक बॉम्ब सिस्टम ये है जिसका नाम है स्पाइस, तो ये हम ले रहे हैं और इसका यूज किया था हमने बालाकोट स्ट्राइक के अंदर जो मिराज विमान हमारे हैं, तो मिराज विमान फ्रांस से लिए हुए हैं हमारे मिराज वाले और उन्होंने इसको यूज किया था मिराज 2000 जेट्स ने, ये फ्रेंच ओरिजिन जेट्स हैं, इन्होंने इसको यूज किया था। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, स्पाइस 1000 किट और स्पाइस 2000 किट। अब इससे एक चीज याद रखना, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, स्पाइस 1000 किट जो होता है वो तो 500 किलो का होता है और स्पाइस 2000 किट जो होता है वो 1000 किलो का होता है, और जो हल्का होता है 500 किलो वाला उसकी रेंज 100 किलोमीटर होती है और जो भारी होता है उसकी रेंज 60 किलोमीटर तक होती है, तो भारी वाले की कम रेंज होती है। लेकिन भारी वाले का वजन 1000 किलो का होता है लेकिन इसका नाम स्पाइस 2000 है और स्पाइस 1000 इसका नाम है वो 500 किलो का ही है, तो ये आपको याद रखना है। ये आपसे पूछ सकते हैं, ये इजराइल का है, सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ। नेक्स्ट इशू आया है सूडान के रिगार्डिंग, अफ्रीकन यूनियन ने सूडान को सस्पेंड कर दिया है, अभी हटाया नहीं है, सस्पेंड किया है, और इशू ये है कि बहुत लंबे टाइम से क्राइसिस वहाँ पर चल रहा है। पहले उमर अल बशीर जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनको एक कोप डिटेक्ट हुआ और मिलिट्री ने उनको हटा दिया और अभी दूसरी कोई गवर्नमेंट नहीं बनी है और मिलिट्री के रूल में अंडर ये चल रहा है और उस मिलिट्री रूल को एंड करने के लिए बोला है, क्योंकि पिछले दिनों 108 लोगों की जो है वो डेथ हो गई थी वहाँ पर, कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ की एम्बेसी के सामने और वहाँ पर उन मिलिट्री के जो कमांडर थे उन्होंने उनको मार गिराया था 108 लोकल लोगों को। तो उसके बाद में अफ्रीकन यूनियन ने बोला है कि इसको सस्पेंड किया जाए और वहां पर एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाया जाए जो कि डेमोक्रेटिकली स्टैब्लिश हो। तो सूडान लैंडलॉक कंट्री नहीं है ये हम जानते हैं, रेड सी पर ही ओपन होता है और ब्लू नाइल जो है वो यहाँ से राइज नहीं होती है, ब्लू नाइल जो है वो यहाँ पे आती है। देखिए सूडान मैप अगर देखेंगे हम यहाँ पर, ये देखिए सूडान है, ये खार्तूम इसकी कैपिटल है और उसके पास ही एक तो आ रही है इधर से जो ब्लू नाइल आ रही है ऐसे जा रही है जो नील नदी है, एक ये इथियोपिया में है लेक ताना, ये लेक ताना जो है यहाँ से व्हाइट नाइल आती है और ये यहाँ पे आके मिलती है खार्तूम से पहले। ये देखिए ये ब्लू नाइल दिख रही है आपको और ये है खार्तूम और ये व्हाइट नाइल नीचे से आती है, तो ये व्हाइट नाइल है यहाँ पर जो यहाँ से आ रहे हैं, ये लेक अल्बर्ट है, लेक विक्टोरिया है, इन सब का एक मतलब बहुत सारी स्ट्रीम्स आती हैं जो कि इसको व्हाइट नाइल को बनाती हैं। यहाँ देखिए लेक योगा है, लेक विक्टोरिया है, लेक अल्बर्ट है, ये वाला सिस्टम है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज्योग्राफी की ये है कि ये जो पार्ट अफ्रीका ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है और ये एक रिफ्ट सिस्टम के तहत अलग हो रहा है पूरा। ये देखिए बहुत सारे लेक्स बनी हुई हैं लेकिन ये कैसे बनी है, यहाँ पर डाइवर्जिंग बाउंड्री हो रही है, ये पार्ट जो है ईस्टर्न पार्ट ये वाला ये इस पार्ट से अलग हो रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर रह रहा है, ये पार्ट जो अलग हो रहा है ये एक रिफ्ट वैली के तहत अलग हो रहा है और ये रिफ्ट वैली ही सारी लेक्स को क्रिएट कर रही है और ये लेक्स हैं विक्टोरिया अल्बर्ट क्योगा व्हाइट नाइल ताना, ये सारा उसी इसका सिस्टम का ही पार्ट है। तो ये एक अलग इशू है और ये है सूडान, सूडान की कैपिटल है खार्तूम, सूडान से 2011 में अलग हुआ था साउथ सूडान, ये एक ही देश था पहले लेकिन ये अलग हो गया था, इसकी कैपिटल है जुबा, ये भी बहुत डिस्टर्ब कंट्री चलता है, सबसे नया देश है जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ऐड हुआ था और ये है सूडान कंट्री। इसमें ये दोनों नदियाँ आके मिलती है और आगे फिर ग्रेट नाइल रिवर चलती है जो कि इजिप्ट में जा रही है, ऊपर जो है इजिप्ट है यहाँ पर और ये सूडान, इधर चैड है, ये सीएआर है, ये जो कि बहुत डिस्टर्ब कंट्री है, ये भी सीएआर और इधर डीआरसी है, नीचे है साउथ सूडान और इधर इथियोपिया है, ये इरिट्रिया है और ये है रेड सी, रेड सी में ये ओपन होता है इधर, और ये अरेबियन पेनिनसुला है आपको याद ही रखना है हमेशा ही, ये रेड सी है, ये बाबल मंदाब यहाँ पर है, ये जिबौती कंट्री है और ये गल्फ ऑफ एडन है और इसके आगे गल्फ ऑफ ओमान आती है, ये यमन कंट्री है, इसका शहर है एडन शहर, यहाँ पर इसके नाम पर गल्फ ऑफ एडन रखा हुआ है। वैसे यमन की कैपिटल है सना, यमन में हौदीज का बहुत क्राइसिस चल रहा है ये भी आपको पता है, ठीक है। तो ये इशू है, अब इसके अंदर सेकंड भी गलत हो गया क्योंकि ये ब्लू नाइल यहाँ से राइज नहीं होती, ब्लू नाइल तो इथियोपिया से राइज होती है लेक ताना से और ये व्हाइट नाइल से मिलती जरूर यहाँ पर है, तो इसमें गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया और तीसरा ये भी गलत हो गया क्योंकि अभी सस्पेंड किया है, मेंबर अभी भी है अफ्रीकन यूनियन का, 55 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और कुछ यूरोपियन देशों के कुछ अंदर टेरिटरी आती हैं उसको छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो अफ्रीकन यूनियन के मेंबर्स हैं, तो टी नन इसमें आंसर दोबारा से हो जाएगा, ठीक है। ये दिसंबर 18 से ही डिस्टर्ब चल रहा है सारा, इसमें दिया हुआ है अफ्रीकन यूनियन ने सस्पेंड किया अभी सूडान को जब तक कि सिविलियन लेड ट्रांजिशन नहीं हो जाता है यहाँ पर और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं हो जाती है, और इनकी काउंसिल की मीट हुई थी एडिस अबाबा के अंदर, एडिस अबाबा जो है इथियोपिया जो है इसकी कैपिटल है, ये यहाँ पर है और एडिस अबाबा में ही इसका सेक्रेटेरिएट भी है अफ्रीकन यूनियन का, ठीक है। इसके सारे जो मेंबर्स हैं 50 से ऊपर वो इंडिया में भी आए थे 2015 में जब इंडो अफ्रीका समिट हुआ था, और ये मैप जरूर से आप याद रखिए, ये इथियोपिया है और इसकी कैपिटल है अडिस अबाबा जहां पर इसका हेडक्वार्टर है, ये 2002 में एस्टेब्लिश हुई थी अफ्रीकन यूनियन, 55 कंट्रीज इसमें है और सेक्रेटेरिएट भी अडिस अबाबा में ही है,
ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, एक इसकी पार्लियामेंट भी है जो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसमें इलेक्टेड लोग आते हैं, और बाकी जो काउंसिल है वो अलग है। नेक्स्ट एक फेमस इशू रहा है इक्वेटर प्राइस। इक्वेटर प्राइस जो है वो बायनली मतलब दो साल में एक बार मिलता है क्या? तो ये सही बात है, ये दो साल में एक बार ही मिलता है। और कौन से इश्यूज के ऊपर? लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका एक इंपॉर्टेंट इशू है, लोग हैं जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, नेचर है, और रेजिलिएंट कम्युनिटीज, ये सारे इसके अंडर ही परव्यू में आते हैं। बिल्कुल सही है, इक्वेटर प्राइस है, लेकिन ये यूएनईपी का नहीं है, ये यूएनडीपी का है। जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाता है, और ये उसका इक्वेटर इनिशिएटिव चलता है, इक्वेटर इनिशिएटिव, और वो ये इस प्राइस को दो साल में एक बार देता है, और ये कम्युनिटीज के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है जो कि पॉवर्टी को कम करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को रोबस्ट करते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन, इन सारे इश्यूज को वो मजबूती देने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको ये अवार्ड मिलता है। अभी डेकन सोसाइटी में कुछ फीमेल फार्मर्स हैं, उनको ये मिला है, उन ग्रुप्स को जो बहुत ही सप्रेस्ड ग्रुप है, उनको कोई ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन वर्ल्ड रेनॉन अभी उनका जो एक वे है मतलब मिलेट्स और इन सब को उगाने का, वो रिकॉग्नाइज हुआ है और उसको इक्वेटर प्राइस मिला है। हर साल कुछ को देते हैं, 20 या तो लोग हो सकते हैं या कोई मतलब गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, कोई ग्रुप हो सकते हैं, एनजीओस हो सकते हैं, उनको ये मिलता है। तो 20 को 2019 में मिला है, उसमें से एक जो है वो हमारा डेकन रीजन की ये सोसाइटी है, और अकेला इसका ओनली वन इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकेंड इसमें गलत है। ठीक है, यूएनडीपी का ये ऑर्गेनाइज कराया हुआ एक इक्वेटर इनिशिएटिव है जिसके अंदर ये इक्वेटर प्राइस मिलता है। ठीक है, और लोकल सक्सेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग रीजन्स हैं इसमें, जैसे एशिया पैसिफिक एक पर्टिकुलर रीजन है इस बॉडी का, तो उसके अंदर अलग अलग देशों के अंदर रीजन्स हैं, उनके अंदर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल मिलता है उनके मतलब ये इन्वाइट करते हैं कि भाई आप प्रपोजल भेजिए, अगर वो सेलेक्ट हो सकते हैं तो फिर उनको ये प्राइज मिलेगा, इक्वेटर प्राइज दो साल में एक बार ये मिलता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। तो आपसे ऑप्शंस में पूछ लेंगे कि इसका कनेक्शन या फिर इसका रिलेशन किससे है, क्या एसडीजी से भी है? तो हाँ है। ठीक है, ये इक्वेटर प्राइस है 2019 का, और ये एलिजिबल इनिशिएटिव्स हैं, इस तरह के इनिशिएटिव्स को ये मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है यूपीएससी के लिए। आजकल यूपीएससी ऐसी बातें पूछने लग गया है कि आप समझते कितना हो और आप उसका कोर कितना ऑब्जर्व कर रहे हो जो इशू का, तो इसमें ये है कि इसके इस तरह के इनिशिएटिव्स को ये मिलेगा, एनजीओ वगैरह को भी मिल सकता है, एसोसिएशन को भी मिल सकता है, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसका है कि 3 साल तक कम से कम वो रिकॉग्नाइज्ड रहना चाहिए, तो ये इसकी कंडीशन है, और ये सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं। देखिए, जेंडर इक्वालिटी भी इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सोशल इंक्लूजन तो है ही, अडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस और सेल्फ सफिशिएंसी, इनोवेशन, इंपैक्ट, ये सारी चीज़ें हैं इसमें आएंगी। और ये जो ग्रुप था ये डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी था, ठीक है, तेलंगाना के अंदर ये है, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू है जो महाराष्ट्र, नॉर्दर्न कर्नाटका, ठीक है, और तेलंगाना के अंदर ये फैला हुआ है डेकन प्लेट्यू, वैसे मेनली थोड़ा सा मध्य प्रदेश का साउथ रीजन और ये सब भी आते हैं, और ये सारा डेकन प्लेट्यू है, इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू तक एक्सटेंड होता है। और ये कैसे बना था? ये जियोलॉजिकल पास्ट में फिशर वोल्केनो, मतलब कि एक दरार वाला वोल्केनो था जिससे एक लावा बाहर आया था, और जो कि बेसाल्टिक लावा होने के कारण बहता जाता है, बेसाल्टिक लावा फ्लो ज्यादा करता है, तो वो फ्लो होता गया और वो बड़े लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैल गया था, और उससे डेकन प्लेट्यू बना हुआ है, तो वहां पे इसका नाम रखा हुआ है डेक्कन डेवलपमेंटल सोसाइटी। और वैसे भी डेक्कन के नाम से बहुत कुछ है इंडिया के अंदर, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी भी थी जो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और तिलक उससे जुड़े हुए थे, और कौन जुड़े हुए थे उसके साथ में, जिसको जो मैंने आपको पढ़ाया था, गोपाल कृष्ण गोखले। तो डेक्कन के नाम से कई चीजें याद आती हैं, तो ये यूएनडीपी का इनिशिएटिव है जो हमें पढ़ना है, इक्वेटर प्राइस। नेक्स्ट, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, ये भी न्यूज में रहा था, ये मूवमेंट है वैसे एक स्पेसिफिक कंट्री का है, और इसका जो इशू है वो बहुत ग्लोबल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो दुनिया में पहली बार हो रही है। इसमें बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़कर और हर फ्राइडे को क्लाइमेट चेंज के लिए इशू उठा रहे थे, उसमें एक स्वीडन की एक बच्ची है और जिसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। देखिए, ये ग्रेटा थनबर्ग है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कुछ बोल रही है, सो थैंक्स ग्रेटा हमको एम्बेरस करने के लिए वैसे, और ये याद दिलाने के लिए कि हम कितने निकम्मे हैं और बच्चे कितना कुछ आजकल सोचते हैं, कितने एडवांस्ड हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है, यूपीएससी इसलिए इसको ध्यान दे सकता है क्योंकि एक छोटे से बच्चे ने एक ऐसा इनिशिएटिव खड़ा किया जिसको वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया, और उसने ये बोला कि हमारे फ्यूचर के लिए, जो बहुत जेन्युइन बात है कि हमारे फ्यूचर के लिए आप कितना काम कर रहे हो। ट्रंप ने तो ये तक बोल दिया कि क्लाइमेट चेंज एक हॉक्स है, जबकि दुनिया में इतना फास्ट तरीके से और क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट बढ़ रहा है, ये सब बोला जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में कि 2050 तक ह्यूमैनिटी भी खत्म हो सकती है, ऐसा कंडीशन आ सकती है, और आज के दिन बाहर जाके गर्मी अगर कोई देख ले तो बिल्कुल सच है कि ऐसा हो सकता है,
क्योंकि इतनी गर्मी है जो वो सहन नहीं हो पा रही है और एसीज वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, तो ये चीज़ दुगनी स्पीड से बढ़ रही है। तो ऐसे में ग्रेटर थंबर्ग ने ये एक इनिशिएटिव लिया था, फ्राइडेज फॉर मूवमेंट। हर फ्राइडे को स्कूल मिस करती थी और ये वहाँ के स्वीडन के पार्लियामेंट के सामने जाके उसने प्रोटेस्ट किया था। तो अगस्त 2018 से ही उसने स्टार्ट कर दिया था और फिर इस मूवमेंट को नाम दिया गया था फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट, और इसको रिकॉग्नाइज किया है, इसको अवार्ड दिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लाइमेट चेंज इसका इशू था। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि मैं पूरे एक साल की छुट्टी लूंगी स्कूल की और फिर पूरी दुनिया में इसको ये इस मूवमेंट को फैलाना है। तो ग्रेटा थनबर्ग इसका नाम है, स्वीडन की ये छोटी सी बच्ची है और एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस अवार्ड 2019 का इसको मिला है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बॉडी है, देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एमनेस्टी का मतलब होता है माफी देना बड़े स्केल पे। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद में जो जितने भी प्रिजनर्स थे या फिर कोई और थे उनको एमनेस्टी दे दी गई थी, मतलब कि एमनेस्टी मतलब सबको एक साथ माफ कर दिया। तो बड़ा पॉलिटिकल माफी देना भी एमनेस्टी होता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी है और उसका अवार्ड है एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस अवार्ड, और एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस अवार्ड 2019 का जो है वो ग्रेटा थनबर्ग को मिला है। तो आपसे पूछ सकते हैं ग्रेटा थनबर्ग कौन है। ठीक है, 2002 में ये अवार्ड एस्टेब्लिश हुआ था, और कोई भी ह्यूमंस के राइट्स से रिलेटेड कोई इशू हो, चाहे वो कॉन्शियंस का हो, चाहे वो इनजस्टिस से लड़ने के लिए हो, इन सबको ये अवार्ड मिलता है। मलाला यूसुफजावी को भी अवार्ड मिला था क्योंकि उसको खुद को गोली लगी थी, फिर भी उसने जो गर्ल एम्पावरमेंट और गर्ल एजुकेशन के लिए आवाज़ अपनी दुनिया में उठाई थी और उसने इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी छोटी सी एज में, तो उसको भी अवार्ड मिला था। नेल्सन मंडेला को भी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पायनियर स्पीशीज के रिगार्डिंग। अब पायनियर स्पीशीज जो हैं वो क्या होती हैं, पहले बात तो पायनियर स्पीशीज मान लीजिए ये होती हैं, कोई एरिया है, मान लीजिए मार्स है। अब मार्स के ऊपर कोई भी पेड़ पौधा कुछ नहीं है हमको पता है, लेकिन कंडीशन जो है वो हो सकता है कि फेवरेबल हो, कि वहां पर पेड़ उग सकता है। तो ऐसी फेवरेबल कंडीशन वाली जगह पर क्या होता है कि मान लीजिए या तो कोई बर्ड जाता है या फिर कोई और तरीके से, मान लीजिए किसी के साथ लग के चला जाए या हवा से भी किसी भी तरह से कोई पोलन है या फिर कोई कुछ भी चीज है जो कि एक कोई बहुत ही बेसिक और प्राइमरी टाइप के एक प्लांट को या फिर कोई बहुत ही मतलब अनडेवलप्ड एक जो ग्रुप होते हैं जैसे मोसेस हैं, लाइकिंस हैं, जिनको हम ना तो पूरा प्लांट बोल सकते हैं ना ही कोई एनिमल बोल सकते हैं, वो जो हैं वो वहां पर ग्रो कर जाएं, और उनको ग्रो करने के लिए कोई जमीन की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो चट्टान के ऊपर भी उग जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आज मार्स के ऊपर कोई ऐसा इस तरह से स्टार्ट हो जाए, तो वो जो सबसे पहले जो लाइकेंस जैसे होंगे, आप पिक्चर देखिए, ये देखिए इस तरह की पिक्चर जो थी जो मैंने आपको दिखाई थी, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। इस पत्थर के ऊपर कई बार आपने देखा होगा कोई मतलब नदी नालों के आसपास में इस तरह से दिखता है, ये लाइकेंस होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये शुरुआत में उगते हैं, फिर ये थोड़ा टाइम तक रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, फिर ये डेड हो जाते हैं, फिर कोई दूसरे को आगे जन्म देते हैं और इस तरह से आगे ये सक्सेशन चलता है। मतलब कि इसके बाद में कुछ और डेवलप प्लांट्स हैं वो वहां पर आ जाएंगे, उसके बाद कुछ और डेवलप होंगे और इसमें लाखों करोड़ों साल भी लगते हैं। तो ऐसे करते करते यहां पर एक तरह से इकोसिस्टम स्टार्ट होता है। तो ये सबसे पहली जो स्पीशीज आई ये कहलाएंगी पायनियर स्पीशीज, और ये पायनियर स्पीशीज जो हैं वो ही इस इकोलॉजिकल सक्सेशन को स्टार्ट करती हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, और उसमें आगे से आगे जो है टाइम के साथ साथ में और एडवांस डेवलप प्लांट जो हैं वो उनकी ग्रोथ होती जाती है और लास्ट में बड़े जंगल और एवरग्रीन बड़े बड़े फॉरेस्ट तक भी डेवलप हो जाते हैं और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं, इसलिए वहाँ तक जाकर रुक जाता है अधिकतर केस में। उसके बाद में फिर डिग्रेडेशन ही होता है, और वैसे ये कभी रुकने वाली प्रोसेस नहीं है, ये लगातार चलती रहती है, लेकिन ये जब जहाँ भी स्टार्ट होता है कोई बैरन लैंड के ऊपर तो वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। इकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है और इस तरह से स्टार्ट होता है। देखिए इन सारे पिक्चर्स में एक चीज़ आप कॉमन देखोगे कि ये पहाड़ पर या पत्थर के ऊपर उगे हुए हैं, इनको जमीन की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये नॉर्मल प्लांट नहीं है, बस इसके अंदर क्लोरोफिल है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन वगैरह को एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं। तो ये चीज़ है और ये हर कहीं से हो रहा था जब अर्थ स्टार्ट हुई थी उस टाइम पर, क्योंकि पूरे अर्थ पे ये इस तरह से डेवलप हो गए थे। मार्स वगैरह में और कहीं पर ये अभी नहीं मिले हैं, हो सकता है लेकिन वहाँ पर आगे फ्यूचर में हो जाए। तो ये पायनियर स्पीसीज का खेल है। दूसरा है रूरल स्पीसीज। रूरल स्पीसीज वो होती हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एरिया है वहाँ पर पहले कोई था, मतलब पूरी सारी प्लांटेशन था, इकोलॉजी थी, पूरा सक्सेशन डेवलप हुआ हुआ था, जंगल था, ग्रासलैंड था, कुछ भी था, लेकिन उसके बाद में या तो वहाँ पर आग लग गई या फिर कोई एवलांच हो गया, कोई बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस हो गया, तो सारी स्पीसीज वगैरह सारी नष्ट हो गई। तो एक टाइम तक मान लीजिए 5, 10, 15, 20 साल तक वहाँ पर कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो सबसे पहले उगती हैं
वो रूरल स्पीशीज होती हैं, तो वो बैरन लैंड उसको नहीं बोल सकते, हो सकता है उसके बीज वगैरह नीचे दबे हुए हों और फेवरेबल कंडीशन की तलाश में हो और फेवरेबल कंडीशन आई तो वो वहाँ पर डेवलप हो गई, तो वो रूरल स्पीशीज कहलाती हैं। और पायनियर स्पीशीज एकदम बैरन लैंड पे उगती हैं जहाँ पर उसकी हिस्ट्री में कोई भी प्लांट वहाँ पर नहीं होता है, तो हो सकता है कोई बर्ड की ड्रॉपिंग्स वगैरह से कोई बीज वगैरह वहाँ पे आ जाए, उससे कोई उग जाए, तो वो पायनियर स्पीशीज हो सकती हैं। लेकिन रूरल स्पीशीज जहां पर उगती हैं वहां पर पहले से कुछ होते हैं लेकिन बाद में डिस्टर्बेंस होता है, तो डिस्टर्ब लैंड्स के ऊपर पहली बार ये उगने वाली होती हैं, तो ये इनमें डिफरेंस होता है। तो दूसरा इसमें सही है, पहला इसमें गलत है, ये कोई कार्निवोरस फूड चेन के टॉप पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये पायनियर स्पीशीज जो होती हैं जो इकोलॉजिकल सक्सेशन को स्टार्ट करती हैं, सक्सेशन मतलब आगे बढ़ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। ये देखिए इस पहाड़ के पत्थर के ऊपर ये उगी हुई है, तो इस तरह से ये इसको बोल सकते हैं, लेकिन वैसे ये एग्जांपल के तौर पे है, वैसे भी बैरन लैंड जो है वो पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि आसपास देखिए जंगल दिख रहा है, तो ये तो बैरन लैंड नहीं होगी, लेकिन ऐसे ये पहाड़ पर उगते हैं इस तरह से दिखता है। तो ये लाइकेन जैसे होते हैं, ये बिना सॉइल के भी रॉक्स पे उग सकते हैं, ठीक है। तो ये है, और ये पायनियर स्पीशीज जो है वो प्रीवियसली बायोडाइवर्स स्टेडी स्टेट इकोसिस्टम के ऊपर कॉलोनाइज होती है, मतलब कि स्टेडी स्टेट, पहले से कुछ वहां पर नहीं था, बिल्कुल एक स्टेडी स्टेट में, जैसे आज मार्स है वैसे ही होता है, और बाद में ये इस तरह से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। और इनके अडेप्टेशन वगैरह, रूट वगैरह कई तरह के, कई टाइप के होते हैं, और प्रिमिटिव होते हैं शुरुआत में, बाद में डेवलप होते जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, लाखों करोड़ों साल भी लगते हैं, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन भी हो सकता है, एसेक्सुअल मतलब कि मेल और फीमेल्स का आपस में मिलना जरूरी नहीं है, हो सकता है एसेक्सुअल प्रोडक्शन भी हो सकता है, जैसे फीमेल से वो फीमेल उसकी जैसे ही पैदा होगी, जैसे कुछ छिपकलियों में ऐसा मिलता है जहां पर एक छिपकली से दूसरी छिपकली पैदा हो सकती है, उसमें उस मेल छिपकली को मिलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसमें प्रोजेनी जो होगी वो एकदम उसके जैसी होगी जैसा उसकी मदर है, तो ऐसा भी इसमें कुछ प्लांट्स में हो सकता है, और बाद में हो सकता है कि डेवलपमेंट हो जाए, एवोल्यूशन हो जाए और सेक्सुअल प्रोडक्शन भी होने लग जाए, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है वो एक एडवांस्ड फॉर्म है लाइफ का, और जो प्रिमिटिव फॉर्म जो था वो एसेक्सुअल ही था, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होता था, पहले एसेक्सुअल ही होता था, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में ये आज तक भी मिलता है, ठीक है, जैसे नॉन कोऑर्डिनेट्स में मिलता है। और ये एग्जांपल्स हैं अलग अलग एरियाज में, सॉल्टी वाटर में, बैरन लैंड में, क्लियर वाटर में, और माउंटेन्स में से लाइकेंस हो सकते हैं, ऑर्किड्स बेयर क्ले में हो सकते हैं, तो ये प्राइमरी स्पीशीज हो सकती हैं कहीं पर भी, ठीक है। नेक्स्ट, ये रूरल स्पीशीज हैं, ये एग्जांपल दिखा रखा है, और ये पिक्चर है। नेक्स्ट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, देखिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है बहुत ही फेमस एक फॉर्म है इकोनॉमी के अंदर, आरबीआई का ये फैसिलिटी होता है, और मॉनेटरी टूल है। देखिए दो तरह के टूल होते हैं, एक तो होते हैं क्वांटिटेटिव और एक होते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डायरेक्शन दे दिया कि आप बैंकों को आप इस तरह से मतलब इकोनॉमी ऐसे चल रही है, ऐसे फेज में है, तो हम इस तरह से स्टेप उठाएं, इस तरह से आप क्रेडिट को कंट्रोल करो, इस तरह के लोन्स को चूज करो, इस तरह से आप अपनी पॉलिसीज बनाओ, तो ये तो एक सिंपल डायरेक्शन हो गया और गाइडलाइंस हो गई, तो क्वालिटेटिव मेजर है। क्वांटिटेटिव में नंबर्स का खेल होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये होती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जाता है नंबर्स के थ्रू। अभी सबसे लोवेस्ट लेवल के ऊपर आया, अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि 10 साल में सबसे कम रेट के ऊपर आ गया है, और ये 5.5 पे पहुंच गया है रिवर्स रेपो, और 5.75 पे रेपो है, तो ये सबसे लोवेस्ट के ऊपर है, पहले 6% पे था, उससे भी कम अभी आ गया है, तो ये अभी न्यूज में रहा था, ये कंजर्वेटिव एक रहा है, और भी कम होने के चांसेस थे। क्यों ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी का क्रंच चल ही रहा है इकोनॉमी के अंदर, बहुत सारी एनबीएफसीज वगैरह जो हैं वो बहुत जूझ रही हैं, लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है, पैसा नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, जब मार्केट में पैसा नहीं है तो फिर बैंक इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं। बैंक इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट को कम करने के ऊपर ये होगा कि ज्यादा लोन वो बांट सकेंगे, ज्यादा लोग लोन ले सकेंगे, ज्यादा कंपनियां इन्वेस्ट कर सकेंगे लोन लेकर, तो पैसा बढ़ेगा मार्केट के अंदर, वो बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोग खरीदने जाएंगे, वहां पर मार्केट में पैसा आएगा, तो ऐसे पैसा बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। ऐसे टाइम पर क्या होता है कि हमेशा इन्फ्लेशन जो है वो लो रहता है, और इस टाइम पर जब इन्फ्लेशन लो रहता है उस टाइम पर ही इंटरेस्ट रेट को कम किया जा सकता है, जनरली यही होता है। स्पेसिफिक केसेस हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन वो अलग कंडीशन है, उनको अलग टाइम पर डिस्कस करेंगे। ये एक जनरल चीज है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होती है तब इन्फ्लेशन कम ही रहता है, तो ये लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए होता है। तो ये मॉनेटरी टूल है आरबीआई का, कि अगर रेपो रेट कम किया, रेपो रेट पहली बात तो होता क्या है, रेपो रेट ये होता है कि अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं, जो एसएलआर वगैरह के अंदर रखते हैं, उससे बियॉन्ड, उससे ऊपर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर बैंक के पास हैं तो वो आरबीआई को देकर और पैसा उठा सकता है वहां से, और ये ओवरनाइट फैसिलिटी होती है,
और ऐसे में जो NDTL होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, मतलब कि उसके पास में कुछ डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज होती हैं। डिमांड लाइबिलिटीज मतलब कभी भी किसी ने डिमांड कर ली तो पैसा निकाल सकते हैं, जैसे सेविंग बैंक है वो एक डिमांड लाइबिलिटी है कि कभी भी आप अपना पैसा निकाल सकते हो। टाइम लाइबिलिटी मतलब कि जैसे FD है वो टाइम लाइबिलिटी है, तो आप एक फिक्स टाइम के बाद उसको निकालोगे, तो ये बैंकों की लाइबिलिटी होती है, बैंकों को चुकाना पड़ता है वापस से जब भी हम डिमांड करेंगे। तो ऐसे में इन लाइबिलिटीज का 1% तक मान लीजिए होता है इसका केस, हालांकि इसका एक बहुत डिटेल बहुत बड़ा है वो हम बाद में लेंगे, इसमें रेपोस वाला सिस्टम जो नया है वो अलग है, लेकिन इसमें मान लीजिए रफली 1% के लगभग एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि इतना ही अलाउ होता है कि वो LAF विंडो से पैसा उठा सकते हैं। अगर इससे भी ज्यादा चाहिए तो फिर उनको जाना पड़ेगा MSF रेट की तरफ, MSF विंडो की तरफ। तो LAF की बात यहां पर है, LAF रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होते हैं। तो बैंक RBI से अगर बैंक ले रहे हैं पैसा, RBI से बैंक को जा रहा है, तो ये रेपो रेट वहां यहां पर होगी, और इससे कम हमेशा होती है वो होती है रिवर्स रेपो रेट, जो कि जस्ट उल्टी होती है। यहां पर बैंक क्या करते हैं, मान लीजिए बैंकों के पास एक्सेस में पैसा पड़ा है तो वो RBI के पास इसको पार कर सकते हैं और कुछ इंटरेस्ट कमा सकते हैं। एक बार इंटरेस्ट इस पर बंद भी कर दिया था RBI ने, लेकिन अभी दोबारा से चालू किया फिर इसको। तो ये रिवर्स रेपो रेट है, ये हमेशा रेपो रेट से कम होती है। क्यों? क्योंकि RBI के पास खुद का कोई सोर्स नहीं होता है पैसा कमाने का, RBI कोई लोन थोड़ी देता है किसी को, तो उसकी कोई कमाई नहीं होती है, इसलिए वो इतना इंटरेस्ट नहीं चुका सकता है। लेकिन यहाँ पर बैंकों को सस्टेन करने के लिए वो देता है कुछ, इसलिए वो कम ही होता है। तो सबसे कम जो होता है वो स्लैब रिवर्स रेपो रेट का ही होता है हमेशा। इसमें बैंक RBI के पास पैसा रखते हैं और इंटरेस्ट कमा सकते हैं, बाद में जब जरूरी होता है तो फिर वापस से ले सकते हैं। और रेपो रेट का मतलब ये होता है, रेपो का मतलब है रीपर्चेस एग्रीमेंट। रीपर्चेस का मतलब कि जैसे मान लीजिए कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI के पास रख के पैसा उठाया बैंकों ने रेपो रेट के तहत, तो वो एक अग्रीमेंट है कि दोबारा से आप परचेज कर लोगे इनको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, और पैसा RBI को वापस दे दोगे, तो ये रीपर्चेस एग्रीमेंट होता है। तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जो रेपो रेट जो होते हैं वो जस्ट उल्टे होते हैं एक दूसरे के, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आते हैं। ओवरनाइट ये फैसिलिटी होती है, डे टू डे क्रंचेस के लिए यूज होती है नॉर्मली, डे टू डे जब इनके पास पैसा कम पड़ता है। तो नेक्स्ट, ये 2000 के साल में स्टार्ट हुई थी, 1991 में नहीं हुई थी, तो ये भी गलत है, और ये पहला सही, तीसरा गलत है। MSF जो है वो अलग सिस्टम है, अगर LAF के थ्रू भी पैसा ले लिया उसके बाद भी पैसे की और जरूरत पड़ रही है तो MSF की तरफ जाओ। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये एक पीनल रेट होती है, मतलब कि ये एक तरह से पेनल्टी लगती है। इसमें हायर रेट होती है हमेशा, सबसे हाईएस्ट रेट MSF की होती है, MSF रेट, बैंक रेट, ये हाई रेट होती है, ठीक है। और अगर ये होता है कि बैंकों को अपना मेंटेन करना चाहिए, अगर वो नहीं कर पाते, उनको जरूरत पड़ती है, तो ये उस टाइम पर एक तरह से एक पेनल्टी लगती है कि ओवरनाइट आप LAF के थ्रू भी ले रहे हो फिर भी आपकी पूर्ति नहीं हो रही है तो आप MSF की तरफ आ रहे हो, इसलिए ये एक इमरजेंसी मेजर होना चाहिए और इसलिए इसके ऊपर पेनल्टी भी लगती है। तो ये पेनल रेट है और पेनल्टी में हमेशा ज्यादा चुकाना पड़ता है, तो ये इसका इंटरेस्ट रेट हमेशा हाई होता है, तो MSF रेट है, तो इसमें तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो 1 only इसका आंसर होगा बी, ठीक है। इसका डिटेल सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल है और RBI मैनेज करता है मार्केट के लिक्विडिटी को और मनी सप्लाई के टारगेट्स को। 2000 में ये आया था। और SLR एक तो होता है, ठीक है, SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो,